ध्यान से देखिए सुनिए सिनेमा हॉल के सीक्रेट्स। दोस्तों एक जमाना था जब सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी और हम दोस्त लोग थोड़ा सा जुगाड़ करके फिल्में देखने पहुंच जाया करते थे। उस सिंगल स्क्रीन के दौर में सपरिवार फिल्म देखी जाती थी। अब मॉल संस्कृति के आने से ये लगभग असंभव सा हो गया है। भले ही आमजन की कमाई बढ़ी हो लेकिन मनोरंजन की ये शर्त आमजन की जेब पर भारी गुजरती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस सिनेमा के वो सीक्रेट्स जो हम और आपकी जानकारी में नहीं आते। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि महज टिकटों के बल पर इनकी कमाई होती है तो आप गलत सोचते हैं। इन सिनेमा हॉल्स के कुछ ऐसे राज हैं जो आप पर कभी खोले ही नहीं जाते। हुजूर इनकी कमाई टिकटें नहीं बल्कि आप जो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक कॉफी वगैरह खरीदते हैं वही उनकी असल कमाई है जो आपको फिल्म के टिकट से भी महंगी पड़ती है। है ना राज की बात। अब और खुलासे सुनिए। इन सिनेमा हॉल्स के टिकट बेचकर कोई 50% मुनाफा नहीं होता। नई फिल्म रिलीज होने पर सिर्फ एक महीने तक 20-25% ही मुनाफा होता है। बाकी का पैसा ये ऑप्शन और अन्य चीजों के बेचने में निकालते हैं। आपने देखा होगा कि थिएटर में मूवी की टिकट से ज्यादा प्राइस गोल्ड रिग्स के होते हैं। फिल्म हॉल्स का एक राज ये भी है कि लाखों लोग आज भी गलत तरीके से फिल्म की डाउनलोड करके देखते हैं। ये फिल्म निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको याद होगा फिल्म उड़ता पंजाब और ग्रैंड मस्ती रिलीज होने के बहुत पहले ही लीक हो गई थी। इसमें निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ। ये चोरी आज भी जारी है। कुछ लोग तो सिनेमा हॉल में ही कैमरे से फिल्म रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। यहाँ तक आपको बताना हम जरूरी समझते हैं। अमेरिका में सिनेमा हॉल का कोई कर्मचारी अन्य किसी को हॉल के अंदर मूवी रिकॉर्ड करते हुए पकड़ लेता है तो उसकी शिकायत कर देता है तो अमेरिका की पिक्चर एसोसिएशन एम्प्लॉय का अच्छा खासा नगद इनाम देती है ना राज की बात। दोस्तों आपने अक्सर पोस्टर पर लिखा देखा होगा कि फलाना फिल्म 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है। मगर क्या आप जानते हैं बच्चे इन एडल्ट फिल्मों के टिकट हासिल कर लेते हैं। ये बच्चे बड़े आदमियों से रिक्वेस्ट करके उनसे टिकट खरीद लेते हैं और अक्सर गेटकीपर इन बच्चों की एंट्री पर कोई ध्यान नहीं देते कमाई की वजह से या अपनी ड्यूटी में आलस बरतने की वजह से। वैसे देखा जाए तो इन एडल्ट फिल्मों में 18 साल की उम्र अनिवार्यता को लेकर सिनेमा हॉल्स का रवैया उदासीन ही है। 18 से नीचे की किशोर अवस्था को ये एडल्ट टिकट आसानी से मिल जाते हैं और इनकी एंट्री भी गार्ड्स की मौजूदगी में हो जाती है। हुई ना हैरत। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमा मॉल्स में खाने पीने की चीजें बहुत ही महंगी मिलती है और आप बाहर से कुछ खरीद के भीतर नहीं ले जा सकते। आपको अंदर ही खरीदना होगा। आपको राज की बात बताएं, लोग अपनी शर्ट की आस्तीन में या शर्ट के अन्य दूसरे हिस्से में चीज छुपा के ले जाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? दोस्तों आजकल 3D फिल्म से लेकर 5D फिल्म का जमाना है ताकि आप फिल्म देखते वक्त सिनेमा के पर्दे पर चल रहे चित्रों के साथ वास्तविकता से जुड़ जाएं। पर आपको राज की बात बताते हैं, 3D फिल्म देखते वक्त आपको कुछ ही समय में लगने लगता है कि आप भी फिल्म का एक हिस्सा है जबकि आपका शरीर स्थायी रूप से बैठा हुआ वहीं है। इसमें आपको परेशानी हो सकती है। इससे आपको सर दर्द और सर के भारीपन होने की दिक्कत आ सकती है क्योंकि आप लंबे समय से चश्मा लगाए 3D फिल्म को देख रहे होते हैं। अब जब आप 3D फिल्म देखने जाएं तो सरदर्द और सर भारी की दिक्कत से बचने के लिए अपना चश्मा बीच बीच में उतार लिया करें। इससे आपको ये परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के हीरो जॉनी डेप भी फिल्म को 3D में देखना पसंद नहीं करते। और अब आते हैं इन सिनेमाओं के खास राज की तरफ। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कपल्स या प्रेमी युगल सिनेमा हॉल में सबसे पीछे की सीट या अंधेरे कोने को तलाशते हैं। अब जाहिर सी बात है इनका इरादा फिल्म देखने का तो कतई नहीं होता होगा। इनके मंसूबे पहले आसान थे मगर अब ये करतूते आसान नहीं है। आप भी अपने जहन में अच्छे से डाल लीजिए। अब आप सिनेमा हॉल के किसी अंधेरे कोने या पिछली सीट पर चुम्मा चाटी लिपटा लापटी नहीं कर सकते क्योंकि अब हॉल्स में नाइट कैमरा भी लगे हुए हैं जिनमें आपकी हरकतें रिकॉर्ड हो सकती हैं और पकड़े जाने पर आपको शर्मसार होना पड़ेगा। नाइट विजन कैमरा सिनेमा हॉल्स की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए लगाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि हम आपको कुछ नई जानकारी देने में सफल हुए होंगे। अब आप क्या कहेंगे इन महंगे होते मॉल्स के बारे में? क्या सिंगल स्क्रीन का दौर अच्छा था? आप अपने आप से पूछिए और कॉमेंट में हमें बता दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।